दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कोरोना काल के बाद दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगले 25 साल भारत के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल के बजट का मकसद भी देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया एट 100 की तरफ ले जाने की बुनियाद रखना है, ताकि भारत आर्थिक महाशक्ति और विकास का नया ध्रुव बन सके। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली, संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात करेंगे आम बजट 2022-23 पर संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा की। I must say that budget documents are perceived to be the roadmap for the future. But here what I have found that there may be a map, but there is no road in this budget documents. गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सीजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है। आज हमने एक 25 साल का सपना देखा है, यह आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल पूरे हुए हैं और 100 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा, गांव गरीब पिछड़े की स्थिति कैसे होगी, यह हमने एक सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो चाहे वो टैक्स का सवाल हो, चाहे स्टार्टअप का सवाल हो, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे पीएम गति शक्ति का सवाल हो, हमने सभी को राहत देने का प्रयास किया है। चर्चा के दौरान बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत बजट के तमाम पहलुओं पर विचार और सुझाव रखे गए। सत्ता पक्ष ने इसे हर वर्ग का ख्याल रखने वाला समावेशी बजट बताया। उनका कहना था कि कोरोना महामारी की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शानदार बजट पेश किया गया, जबकि विपक्ष ने कहा कि बजट में बुनियादी सवालों का कोई जिक्र नहीं है और देश में व्याप्त असमानता, बेरोजगारी, कृषि और असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। कोरोना महामारी समेत तमाम मुश्किलों से जूझते हुए भारत विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा है। यही वजह है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। हर घर शौचालय और हर गांव बिजली का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जबकि हर गरीब को आवास और हर घर नल से जल जैसी बुनियादी जरूरतों के लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ताकत आज देश जानता है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगले 25 साल के रोडमैप पर काम करने का यही सही समय है। आजादी के 75वें साल में पेश केंद्रीय बजट में भी इंडिया एट 100 तक पहुंचने की 25 सालों की लंबी अवधि यानी अमृत काल के लिए ब्लूप्रिंट का उल्लेख किया गया है, जो अत्याधुनिक भी है और समावेशी भी। मतलब अब आगे की योजना भी उसी अनुरूप बनाई जाएगी जिससे अगले 25 सालों का सफर स्पष्ट दिखाई दे। सो वी वेंट इन फॉर अ बजट व्हिच वुड स्टैंड फॉर कंटिन्यूटी, व्हिच विल बी ब्रिंगिंग इन स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन टैक्सेशन एंड आल्सो अ विजन फॉर इंडिया एट 100। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इंडिया एट 100 के दृष्टिकोण को पेश किया था। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर इसी दृष्टिकोण को पूरा करना है। आम बजट पर जब दोनों सदनों में चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि इस बजट में भविष्य के भारत की नींव रखी गई है। सच बात तो यह है कि यह बजट वाकई अमृत काल का बजट है, और जो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि आने वाली शताब्दी भारत की होगी, सही अर्थों में यह बजट उनके इन शब्दों को चरितार्थ करता है। आज अगर हम एक विश्वास की नींव रख रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित देश बनेगा और उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, तो महोदय लोगों को कष्ट हो रहा है। अगर पूरे बजट को ध्यान से हम देखें तो इसकी चार प्राथमिकताएं हैं। तो ये बजट जो है, हम कह सकते हैं कि ये बजट कोई एक साल का नहीं, ये बजट जो है आधारशिला जो है
जो नींव रखी गई है इस बजट के द्वारा वो अगले 25 सालों के लिए नींव रखी गई है। दिस इज अ बजट, दिस नॉट ओनली एड्रेसेस द करेंट चैलेंजेस ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो प्रिपेयर्स इट टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। हालांकि विपक्षी सांसदों का कहना था कि वर्तमान की चुनौतियों का समाधान किए बिना अमृतकाल की भावी योजना व्यर्थ है। The government has not learned to attend to the problems of today's Indian citizens rather than stretching the mirage of Achhe Din 25 years into the future into some illusory Amritkal that no one in the government will be around to be accountable for at all. In fact, today, instead of Amritkal over the next 25 years, today, sir, our people are facing Andhkal, and for this it's extremely important that we must find a solution. There were certain words which are missing. What were those? Unemployment, poverty, food security, informal sector, migrants, daily wages, health for all, welfare, social protection, women, youth. I ask myself, who is this budget for? ये बड़े दुख की बात है। और आप बात कर रहे हो अमृतकाल, अमृतकाल मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं। The finance minister speaks about Amritkaal, describing about India at 100. Mahatma Gandhi has said, sir, the future depends on what we do in the present. A future plan of Amritkaal without addressing the challenge of the present is pointless. AIADMK ने अमृतकाल के लक्ष्यों की सराहना की तो बीजेडी ने कहा कि बजट में आधुनिक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के लिए कई क्षेत्रों में पर्याप्त आवंटन किया गया है। शिवसेना ने भी माना कि पीएम गति शक्ति से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेड आई वुड थैंक द फाइनेंस मिनिस्टर दैट शी डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स फॉर प्रेजेंटिंग ए बजट दैट लुक्स इनटू द फ्यूचर while keeping a close eye on the ground. Presented amid a challenging economic environment, the budget has laid out a roadmap for supporting growth and putting in building blocks for India's long-term development. PM Gati Shakti Infrastructure Master Plan jo banaya gaya hai, nishchit roop se desh ke infrastructure ko aage le jane mein, har sector ko badhane mein uska bahut bada yogdan rahega. The government is also outlined a blueprint for Amritkaal, the next 25 years until the centenary of Indian independence of 2047. This is a laudable goal. सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि इस बजट में सरकार की आर्थिक गतिविधियों और नीतियों की निरंतरता देखी जा सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने 39,44,909 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.6% अधिक है। पूंजीगत व्यय में 24.5% और राजस्व व्यय में 0.9% वृद्धि का अनुमान है। 2022-23 के लिए कुल अनुमानित व्यय में 13 सबसे ज्यादा आवंटन वाले मंत्रालयों का हिस्सा 53% है। इसमें संचार, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, शिक्षा और रेलवे मंत्रालय के आवंटनों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। बिफोर मोदी इंडियाज जीडीपी द साइज ऑफ इंडियाज जीडीपी वाज 110 लाख करोड़। After Narendra Modi, the size of India's GDP is 230 lakh crore. This is the two Indias that we must be proud. This is the two Indias that have changed. Before Narendra Modi, India's exports were at 2.85 lakh crore. After Narendra Modi, India's exports are now at 4.70 lakh crore. Nobody can deny these facts. India's foreign reserves before Modi ji was $275 billion. After Modi ji, India's foreign reserves is at $630 billion. 2020-21 में 4 लाख करोड़, 21-22 में 5.5 और इस पर 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भारत ने इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं देखा था और मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत करके देश में अगले 100 साल के लिए आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। 40 लाख करोड़ का बजट देने के बाद भी इसको अपना वित्तीय घाटा को 6.4% पे ही लिया करके वहीं तक उसको रखा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी भारत के विकास की तारीफ कर रहे हैं
और सभी यही कह रहे कि भारत विश्व का सबसे तेज विकास से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। IMF ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, और इस बजट में भी 9.2% की जो GDP की विकास दर की बात कही गई है, हमको लगता है इससे भी तेज विकास होने वाली है जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ये बजट गरीबों को न्याय देने वाला, मध्यम वर्गीय लोगों को आगे जाने का मौका देने वाला, बिजनेस करने वाले लोगों को भी मतलब सपोर्ट करने वाला, सभी लोगों के विकास के लिए बजट है। और इस बजट में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये जो बजट है। लेकिन विपक्षी सांसदों का कहना था कि बजट जमीनी सच्चाइयों से पूरी तरह कटा हुआ है और इसमें मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ खास नहीं है। What has the budget done for welfare? Subsidy for petroleum for this year and the next year from 6,517 crore cut to 5,813 crore. Fertilizer from 1,40,000 crore to 1,05,000 crore. Food from 2,86,219 crore to 2,06,481 crore. In agriculture, from 4.3% of GDP to 3.84% of GDP. Crop insurance from 15,989 to 15,500 crore. And Maganrega from 98,000 crore to 73,000 crore. PIL जैसी स्कीमें जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सहायता देने के लिए सामने रखी गई हैं, वहीं लघु और मध्यम उद्योग जो देश के करोड़ों श्रमिकों को रोजगार देते थे, उनको पर्याप्त सरकार ने सहायता देने का काम नहीं किया है और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और लोगों के मन में विश्वास था हर बार इनकम टैक्स सीमा बढ़ती, इस बार भी बढ़ेगी, लेकिन लोगों को निराशा से हाथ लगी कि सीमा बढ़ी नहीं, लोग इंतजार करते रहे। वॉट इज देयर इन द बजट फॉर द पुअर, फॉर द वर्कर्स, फॉर द वुमेन, फॉर द पर्सन, फॉर द MSP, फॉर द हेल्थ सेक्टर? नथिंग इज देयर। There, the allocation is slashed, subsidy is slashed. विपक्ष का आरोप था कि महंगाई, बेरोजगारी, कृषि और असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है, साथ ही समाज कल्याण क्षेत्र की भी अनदेखी की गई है। 15% of the corporate duty for the new manufacturing units has been extended for a further financial year, means again you are giving concession to the corporate houses instead of providing social welfare facilities to the poor downtrodden people of this country. That is why I am saying that again and again the rich and poor divide is getting increased. This budget totally ignored the social welfare sector in this budget. Sir, you are not taking any accountability for the agricultural sector's demands like MSP. You don't want to address the issue of MSP or other solutions concerning the lack of remunerative prices, unfair markets and rising input costs. Sir, in this budget, sir, the allocation for rural development as a percent of GDP has declined from 0.60% to 0.54% this year. हमारे लिए तो अर्थशास्त्र सर गरीब और निम्न आय वर्ग की थाली है। मैं तो उसकी साइज देखता हूं सर। मैं बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला, एयरपोर्ट वाले को क्या मिला, उससे मैं चिंतित नहीं हूं। दे दीजिए ना सब कुछ, लेकिन गरीब की थाली महफूज रखिए। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। टू सेक्टर्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया, वन इज एजुकेशन, वन इज हेल्थ। आई रिक्वेस्ट दैट मच फंडिंग शुड बी डन फॉर दिस ऑल्सो, otherwise we will remain backwards and we will not be able to compete with the world of tomorrow. सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना था कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार बनने के बाद से देश ने कृषि से शिक्षा तक, विमान से रेलवे तक और जमीन से अंतरिक्ष तक राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि PM गति शक्ति के साथ रोड, रेलवे, पोर्ट और वाटरवेज में निवेश से हर क्षेत्र में विकास होगा और जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो रोजगार भी मिलेगा। इस बजट का अगर कोई एक फोकस है तो दैट इज जॉब, 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 रोजगार, रोजगार, रोजगार। हमने भी लोगों को मदद की कोरोना काल में, लेकिन सभी महोदय
अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से. When we built 11 crore toilets, did the angels from heaven come and build these toilets? You multiply 11 by at least 10, that is 110 crore mandates. When we built 2 crore houses, madam, you multiply that by 500 houses per house, that makes it 1,100 crore mandates, madam. Every one of these, when you build hospitals, when you build roads, 850 crore mandates were created by building roads. ने एक नई व्यवस्था का निर्माण भी शुरू किया और व्यवस्था के निर्माण का आधार क्या बनाया? वो आधार जो प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है, जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रावधान किया है, गतिशक्ति. गतिशक्ति में चाहे रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, मास ट्रांसपोर्टेशन हो, ये 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो हमारे एक भविष्य में बड़े भव्य भवन का आधार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. एक रुपया में 8 पैसा सब्सिडी जाता है, जो पिछले बार भी जा रहा था, इस बार भी जा रहा. वेलफेयर सेक्टर में सारे वेलफेयर के नंबर देख लीजिए, एक सब्सिडी, तो आपको दिखेगा कि हमने वेलफेयर में भी ज्यादा इस बार जो है बजटरी एलोकेशन किया है. अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के मकसद से राज्यों की मदद के लिए इस बार बजट में 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इसे लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी राय रखी. इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ स्टेट विल बी इंक्रीज फ्रॉम ₹10,000 करोड़ टू ₹1,00,000 करोड़ अप टू 22-23%. What will happen? What is the roadmap of allotment of this 1,00,000 crore of money? By giving this 1,00,000 crore with this fiscal deficit, with application of the FRBM Act, and with this pushing all the center programs, will this 1,00,000 crores really help all our states? Is my question. हर राज्य सरकारों को 1,00,000 करोड़ का एक हम लोगों ने राशि हम लोगों ने आवंटन की है. 50 साल के लिए ये पैसे आपको मिल रहे हैं 0% इंटरेस्ट रेट. तो अगर इस आपदा के समय अगर किसी राज्य को लग रहा है कि उनके पास संसाधन नहीं है, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशलता से उन्हें संसाधन दिया है, 1,00,000 करोड़ का संसाधन दिया है और छूट भी दी है कि जो आपका राज्य का बजट है, जहां पहले हम लोग FRBM के तहत 3% का हम लोग सीमा हमने लगाई हुई थी, हम लोगों ने उसको 4% भी आपको छूट दे दी है. हालांकि YSRCP ने कहा कि ये बजट राज्यों के विकास और प्रयास को पर्याप्त समर्थन नहीं करता. This budget does not ensure saath to the states. No saath. This budget does not ensure vikas to the states. This budget not taken the states into vishwas. No vishwas on the states. This budget does not ensure supporting the prayas of the states. चर्चा के दौरान TDP ने जहां आंध्र प्रदेश को जल्द से जल्द विशेष दर्जा देने की अपील की, तो JDU ने जातीय जनगणना की मांग दोहराई. सर, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू ग्रांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इमीडिएटली फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. महोदया, मैं वित्त मंत्री जी की जिसे और एक विशेषकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पूरे बजट में जातीय जनगणना को लेकर अलग से कोई प्रावधान या आवंटन नहीं किया गया है. मुझे उम्मीद एवं विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जातीय जनगणना काफी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सांसदों ने भी आम बजट 2022-23 को लेकर अपने विचार रखे. इस बजट में पहली बार बॉर्डर के एरिया तक, जहां 7 घर रहते हैं, 2 घर रहते हैं, उन जनसंख्याओं को भी ध्यान में रखते हुए ये बजट ने पहली बार बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने की बात किया है. और इस बजट में 5,958 करोड़ फिर लद्दाख को दे रहा है. इससे सौभाग्यशाली हम क्या होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट हैज बीन हाईलाइटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच. विल दिस इनिशिएटिव विद अ बजटरी प्रोविजन ऑफ ₹1,500 crores एड्रेस एनी कोर इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द स्टेट्स यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. टी इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री टुडे फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सर, कुड यू अलॉट सम मनी for development or survival the next of speaker, the industry of our country. TRS, IUML और AIMIM ने SC, ST और OBC समेत वंचित वर्गों के लिए बजट आवंटन के मुद्दे पर अपनी राय रखी. This government talks too much on
SCs and STs welfare and upliftments of OBCs. We have about 38 to 40 crores of SCSTs in this country. And look at the budget, what is allocated. It is 12,800 crores, madam. And when you talk about OBCs also, we have about 70 crores of OBCs in this country. And the allocated budget is 1,400 crores, madam. What is that we are looking for? I would like to request the Honorable Minister to consider the minorities, the backward classes, the suppressed, the oppressed, the sidelined, the deprived and the depressed sections of the people and to take them into the national mainstream in the economic policies. Education scheme for madrasas, you have reduced it from 8% to 174 crore rupees. You have reduced it from 174 to 160 crore rupees. Lekar gaye hai. चर्चा के दौरान विपक्ष ने लोक भाषा की शब्दावलियों से भी सरकार को घेरने का प्रयास किया तो सत्ता पक्ष की ओर से भी उसी अंदाज में उसका जवाब दिया गया। 2022-23 के बजट में गरीबन का काबा, आप हीरे की कीमत कम करे बा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत बढ़ाए बा। ये बजटवा में बहुत कुछ बा, अब सुनी 75 से 100 साल के रास्ता बा, रोजगार के जोगाड़ बा, गरीबन के खातिर घर बा, नल से जल बा, 7.5 करोड़ के पूंजी खर्चा बा, 1 लाख के खर्चा राज्य सरकार के बा, भारत के महाशक्ति बनाए के उपाय बा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बा, और एकरो से मन ना भरल तो प्रधानमंत्री के जवाब बा। आखिरकार आम बजट पर लोकसभा में 7 फरवरी को शुरू हुई चर्चा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ 10 फरवरी को पूरी हुई, जबकि राज्यसभा में 8 फरवरी को शुरू हुई चर्चा 11 फरवरी को पूरी हुई। वित्त मंत्री ने जहां बजट की विशेषताओं को सदन के सामने रखा, वहीं विपक्ष की चिंताओं और सवालों के जवाब भी दिए। सम वेरी डिस्टिंक्ट फीचर्स व्हिच आर देयर इन द बजट, बट आई एम वेरी टेम्प्टेड टू टेक इट ऑफ and start from the first speaker of the opposition. Jyoti, reaching homes, piped water connection through Nal Se Jal scheme has also been reaching people. MSMEs have received 13.5 lakh MSME accounts were saved due to the ECLGS. 1.5 crore workers have been saved from potential unemployment and 1.7 billion people have been given free vaccination. If all this is not going to lead towards India at 100 and Amrit Kaal, what else could? So therefore, I want to just respond to senior leader Shashi Tharoorji, truly recognize when Amrit Kaal was. And what we are leading towards India at 100 is actually Amrit Kaal. So allocation for Ministry of Health and Family Welfare, which was 64,000, which I have already mentioned in 1920, has been increased to 86,000 crores in the BE of 22-23, which is a 35% increase. 2020-21, it was 84,219 crores. In the RE of 2021-22, it went up to 88,000 crores. And this year, for the first time, it is over 18% increase, rising to 1,04,000 crores for education. Wow. SC welfare ho, ST welfare ho, prashn pooch sakte hain bar bar. Hey, what have you done for SC? What have you... Number speak, sir. Allocations for minority affairs. BE 22-23, which is now on the table of the parliament, 5,021 crore, which is 16%, 16% increase hai, over the RE. वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट स्थिरता की बात करता है और इसमें तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में भारत की आजादी के 100 साल होने को लेकर दूरदृष्टि है और इसके मद्देनजर सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने पीएम गति शक्ति को लेकर भी अपनी बात रखी। ग्रोथ फोकस कंटिन्यूज इन दिस बजट एज वेल। वन अदर थिंग व्हिच कंटिन्यूज विद द ग्रोथ फोकस इज टू अटेन, इन ऑर्डर टू अटेन द ग्रोथ वी वांटेड टू अंडरटेक पब्लिक एक्सपेंडिचर
in building infrastructure for a modern India, 21st century India, and an India which is going towards India at 100. And therefore, the Gati Shakti guiding us for building infrastructure all across the country, being the focus and the continuity from last year on infra as an instrument for giving the stimulus to the economy. So stable and sustainable recovery was one of the important motives and objectives of this budget. Whereas the pandemic hit us and the loss to the GDP was 9.57%, and our management of the inflation is that it is only 6.2%. That technology and digital adaptation are also the instruments through which we want to work during this Amrit Kal. I didn't think I said anything which is going to amuse any one of us, sir. India's 25 years, the coming 25 years, are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kal. If we do not have a vision for India at 100, sir, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress. So Rahu Kal is not now. Rahu Kal is where Congress party is. Ours is Amrit Kal. Ours is Amrit Kal. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान वित्त मंत्री के जवाब के साथ ही आम बजट 2022-23 पर चर्चा पूरी हुई। सत्र के दूसरे भाग में मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों, संबंधित विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2022 को संसद की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को मंजूर किए जाने से जुड़ी संसदीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार भी बजट प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए कदम बढ़ा रही है। देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। 75 साल की यात्रा में एक एक कदम उठाते हुए आज देश विकास की इस ऊंचाई तक पहुंचा है। आज भारत वो सब कर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसे में भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया है जब नए संकल्पों को आधार बनाकर अमृत काल के लक्ष्यों की ओर मजबूती से आगे बढ़ा जाए, ताकि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे, तब समृद्धि के नए शिखरों को छूने का सपना पूरा किया जा सके। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद से जुड़ी ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।